ए मेरे बच्चा, मेरे को कुजरने से तुम ही बचा सकते हो मेरे बेटा। देखो मेरे लाल की क्या हालत हो गई है। तुम हमको क्या कर रहे हो? मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे पति को बर्बाद कर दिया, मेरे नाक तक तुमको डाल दिया। क्या बिगाड़े आज मैं सारी, कोई मेरा इज्जत मेरा कोई चीज नहीं बचा। हेलो दोस्तों, मैं दानिश खान और आज मेरे साथ हैं संजय भाई और उनकी माँ। दोस्तों, लास्ट वीडियो में आपने देखा था कि संजय भाई की जो वाइफ थी वो कॉल गर्ल का काम शुरू कर दी है, कॉल गर्ल बन चुकी है। और कहीं ना कहीं आप अगर संजय भाई की अगर आप हालत अभी देख रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत है कि इनके साथ क्या हुआ है और क्यों ऐसा एक्टिविटी ये कर रहे हैं। आंटी आप ही बताइए और क्या हुआ और कैसे इनके साथ ये हुआ अभी। बेटा 8 दिन पहले ये किसी से मिलने गया था, शायद आपसे। जी मैं ही से मिलने आया था। उसके बाद जब वो घर में आया तो अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया और हम लोग कितना भी कोशिश कर रहे हैं कि वो दरवाजा खोले पर वो खोल ही नहीं रहा है, खोल ही नहीं रहा है। अच्छा, हम लोग बोले थे कि आप लोग डिवोर्स दिलवा दीजिए इनको। जी, तो डिवोर्स वर्स फाइल हो चुका था, सारा चीज कंप्लीट हुआ? नहीं नहीं, डिवोर्स की बात अभी चल रही थी। ये डिवोर्स लेने के लिए तैयार था मेरी बहू से, लेकिन अभी डिवोर्स हुई नहीं थी। उसी दौरान ही अपने आप को रूम में बंद कर लिया और रूम खोल ही नहीं रहा है, ना कुछ खा रहा है ना कुछ पी रहा है। अपने आप को एकदम सदमे में डाल लिया। इसके पिताजी की भी तबीयत ठीक नहीं है, वो भी अभी बहुत बीमार है, चलने फिरने की स्थिति में नहीं है। मैं अकेले क्या करती, कैसे भी करके आसपास के लोगों की मदद से इसे हॉस्पिटल ले गई। वहाँ डॉक्टर जब चेक किया तो वो बोला कि डॉक्टर का कहना था कि इसकी दिमागी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, ये सदमे में जा चुका है। क्या करे बेटा, अंग्रेजी डॉक्टर से दिखाए, आयुर्वेदिक डॉक्टर से दिखाए, जाना इलाज करना चाहिए, वाह वाह इलाज कराए, मगर फिर भी मेरे बच्चे में कोई सुधार नहीं है। देख रहे हो ना बेटा इसकी हालत, माँ इसकी हालत देख रहे हो ना, ये सब उसके कारण हुआ है। डॉक्टर क्या बोल रहा है? डॉक्टर का कहना है कि हम सिर्फ इलाज कर सकते हैं, बचाना ना बचाना ऊपर वाले के हाथ में है। अगर जिस जो सिचुएशन के कारण इसकी ये हालत हुई है, अगर वो सिचुएशन क्लियर हो जाए तो शायद ही ठीक हो सकता है मेरा बच्चा। अब तुम ही बचा सकते हो मेरे को कुजरने से, तुम ही बचा सकते हो मेरे बेटा। देखो मेरे लाल की क्या हालत हो गई है। एक अच्छा खासा इंसान मेरे वजह से दिमागी हालत से कमजोर हो गया। खैर जो भी हो, मैं अपने स्तर से कोशिश करूंगा इसे सॉल्व करने की, और मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा यार। अब मैं पीछे नहीं हट सकता, मुझसे जो हो पाएगा मैं करूंगा। हेलो हेलो, साधना बोल रही हो? आप कौन? दानिश बोल रहे हैं। आपने कॉल क्यों की है? आपका आप मेरे हिम्मत कैसे हुआ मेरे मोबाइल पे आपको कॉल करने का?
कुछ आपसे काम है, बात करना था आपसे। हम क्या आप काम है, मेरा जिंदगी तो लाइफ खराब कर दी हो, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा यहाँ तक कहाँ ये काम नहीं करना तो वो तुम गुम करना पर हमको, तुम किस लाइन पर हमको ला दियो, मेरा घर जीवन बर्बाद कर दिया, अब क्या खोज रहे हो तुम। देखिए साधना जी, मुझे आप... मेरा नाम मत लो तुम, नाम मेरा नाम, मेरा ना, मेरा जिंदगी बर्बाद करके मेरा नाम मत लो। साधना जी मुझे आपसे मिलना है, कुछ बात करना था। हमको मेरे तुमको मिलना है, तुमको बहुत मारना है, मन तुमको मिलोगे ना तो बहुत मारेंगे तुमको, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरा जिस लाइन में नहीं आना था उस लाइन में हमको तुम जीवन में हमको बर्बाद कर दिया, नरक बना के रख दिया मेरा जीवन को। साधना जी देखिए, ठीक है, अगर आपको लगता है कि मैंने कुछ गलती किया है, आप जो चाहे वो सजा दे दीजिएगा, मुझे आपसे मिलना है, आज मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ और अंतिम बार। क्या हाथ जोड़ते हैं, उस घर कहाँ गए थे जब मेरे पति से दूर किए थे, उस घर कहाँ गए थे, उस घर कहाँ गए थे, मेरे सास से दूर किए थे जब मेरे इस लाइन में आने के लिए मजबूर कर दिए यहाँ पे, उस घर कहाँ गए थे हाथ जोड़ने के लिए। ठीक है, मैं सारी गलती का के लिए माफी मांगता हूँ, मगर मुझसे आज मिल लीजिए आप प्लीज। देखिए मैं एक पार्क में बैठा हूँ और आपको मैं पार्क में आइए, जो बोरिंग रोड का एसकेपुरी पार्क है, मैं वहीं पे बैठा हूँ और आइए, मैं बताता हूँ अंदर। ठीक है, आप वहीं रुकिए, हम आ रहे हैं। ठीक है, अंदर आके फ़ोन कीजिएगा। ठीक ठीक। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूँगा कि यार हो सकता है कि शायद उनके लाइफ में मेरे कारण से प्रॉब्लम आया हो, उन सब के लिए मैं सॉरी बोलता हूँ। और एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोस्तों हाल ही में फेस्टिवल ख़त्म हुआ है और वो फेस्टिवल में बहुत ज़्यादा खर्च होती है, तो वो खर्च हम लोगों ने भाई बिनामो से ट्रेड करके किया है। बिनामो से कैसे ट्रेड करते हैं आपको मैं अक्सर बताता ही रहता हूँ, और आज मैं फिर बताता हूँ कि बिनामो से कैसे ट्रेड करता हूँ, आइए मैं बताता हूँ। मेरे मोबाइल में बिनामो मैंने ओपन कर लिया, ओपन करने के बाद मैं आपको दिखा दूं मेरे रियल अकाउंट में 21,294 रुपये है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं यहां पर डिपॉजिट कैसे करते हैं, यहाँ पे रुपया UPI पेटीएम के थ्रू अपने पैसे को डिपॉजिट कर सकते हो। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ एसेट सिलेक्ट करना पड़ता है, एसेट सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट पे यहाँ पे टैप करना रहता था, चलिए यहाँ पे एक बार इन्वेस्टमेंट में टैप कर लिया। अब यहाँ पे अप एंड डाउन पे किसी एक पे टैप करना रहता है, तो थोड़ा सा सोच समझ के करना पड़ता है अप एंड डाउन पे टैप, मैंने अप पे टैप कर लिया, थोड़ा सा इंतज़ार कर लेते हैं। आप देख सकते हैं 12,810 रुपये का मुझे फ़ायदा हो गया है। उसके बाद मैं आपको दिखा दूं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए हुए हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं सपोर्ट का, यहाँ पे 24/7 सपोर्ट मौजूद है हर तरीका से। उसके बाद मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं ग्राफ का, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है ग्राफ का, जैसे माउंटेन हो गया, ये लाइन हो गया, उसके बाद कैंडल हो गया, उसके बाद बार्स हो गया, यहाँ पे अलग अलग ग्राफ का ऑप्शन मौजूद है जिसके थ्रू आप ट्रेड कर सकते हो। दोस्तों देखा आपने कितनी आसानी तरीके से मैंने इतने सारे अर्न कर लिए। एक और बात मैं आपको बता दूं, अगर आप जाते हैं मेरे लिंक से डाउनलोड करते हैं और डाउनलोड करने के बाद जैसे रजिस्टर करते हो तो आपको $1,000 मिलेगा डेमो अकाउंट में प्रैक्टिस करने के लिए। तो भैया देर किस बात की कर रहे हैं, जल्दी जाएं, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर डाउनलोड करें। थैंक यू सो मच। फ्यू मोमेंट्स लेटर। हां देख ली हूं। हां इधर से आइए। को जीवन नग्न बना के तुम हमको क्या कर रहे हो, मेरा घर बर्बाद कर दिया, मेरे पति को बर्बाद कर दिया, मेरे नग्न पर तुमको डाल दिया। बिगाड़े थे, बताओ क्या बिगाड़े थे तुम हमको, ऐसी की है क्या, मेरा कम में हम कुछ बिगाड़ने गए थे तुमको, हम यहाँ कम मेरा घर बर्बाद करके रख दिए। क्या बिगाड़े थे, मेरा घर पति की बर्बाद कर दिया, आज इससे माने जल्दी से नरक में धंधा धंधा वाली बनने पड़े आपको। आप रोइए मत, ठीक है, एक तो गलती आपकी, अब क्यों आपको पैसा का इतना परवाह था, हाँ इतना प्रॉपर्टी पैसा आपको प्यारा था कि आप कुछ पैसे के लिए प्रॉपर्टी के लिए आप ये काम में चेंगे, हम कैसे बनाए आपको धंधा वाली, हाँ आप खुद न गई। तुम मेरे जिंदगी में नहीं आते, नहीं मेरे पति के आते, मैं अपना लाती में था किसी तुम्हारे चलते, नहीं मेरे घर में से मेरे लाइफ में तुम पढ़ते, नहीं मेरा ऐसा हाल होता। क्या मैं बिगाड़ी आज मैं ऐसा, कोई मेरा इज्जत मेरा कुछ नहीं बचा। घर
गलती तो आप की हो सबसे पहले। क्या गलती की हो बताओ, गलती करने में मजबूर तुम की हो। आप गई हो धंधा की लाइन में, आप गई हो कल सुनते नहीं, धंधा तो गलत बनाया गया है, हम किने तो नहीं किए हैं, गलत बनाई गई है। आप गई हो ना इस लाइन में, इस लाइन में आप गए रे, जबरदस्त घुसाया गया। मतलब हम एक जगह काम के लिए गए, बिना काम बात तूत विचार कर ले, हमको ढेर सा पैसा दिया हमको कि पल्ला पल्ला जगह पर जाओ। देखिए मत, ठीक है, एक बात बताने वाली हूँ। अब क्या बताना, बच्चा क्या है अब तुम घबराने के लिए। देखिए देखिए मुझे नहीं पता कि सच में आपकी लाइफ में क्या भी प्रॉब्लम है और क्या हकीकत है। पता है एक बात, अभी संजय भाई का भी स्थिति बहुत खराब है, उनका भी हाल बहुत खराब है, पता है आपको क्या हुआ उनको? अब बोल क्यों रही हो, बताओगे क्या हुआ उनको? उनको कुछ हुआ तो सारा जीवन तुमको क्यों छोड़ोगे नहीं, तब कभी नहीं छोड़ोगे तुमको। आपको मिलना पड़ेगा उनसे। कहाँ है वो, क्या हुआ उनको बताओ तो। अब मैं बताता हूँ, उनसे मिलना है ना आपको। चुपी, एकदम चुपी, मैं ले चलता हूँ उनके पास। और उनका देखिए, उनका ना मानसिक स्थिति भी थोड़ा सा अभी वो पागल टाइप एक्टिविटी कर रहे हैं, और आप उनसे मिल लीजिए और थोड़ा सा रोइएगा मत उनके सामने, ठीक है? और थोड़ा सा उसको कुछ हुआ तो आपको कभी माफ नहीं करूंगी। कुछ नहीं होगा, बस उनका इलाज आप ही हो, पता है वो बहुत प्यार करते हैं आपसे। आपको क्या लगता है कि हम नहीं करते उनके चलते हम कहां से कहां पहुंच गए? मुझे पता है आप करते हैं, मगर बस आप उनसे मिलिए और उनका इलाज आप ही हो, ठीक है? चलिए जिंदगी बर्बाद करके क्यों आई हो तुम इसके पास? मुझे माफ कर दीजिए बाजी, इधर काम हो गया मेरी बाप, माफ कर दीजिए बाजी, मुझे काम है ये आज, मुझे माफ कर दीजिए, जिंदगी बर्बाद कर दी, मुझे माफ कर दीजिए। आ जाइए हम दर्दी जताने आएंगे बाप, तुम्हारे कारण हमारे बच्चे का ये हालत हुआ, सिर्फ तुम्हारी बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगर यही होगा बाप के अपना अब ठीक कर जाएगा बाप, अब कभी नहीं छोड़ के जाएगा, कभी नहीं छोड़ के जाएगा बाप, ये बाजी मुझे माफ कर दीजिए, बाजी मुझे माफ कर दीजिए, कभी नहीं छोड़ के जाएगा। इसके काम क्या मिला तुमको हमारे बेटे की जिंदगी बर्बाद करके? दूर हो जाओ, आपसे बहुत बड़ा दूर हो जाओ, चल जाओ मेरे बेटे की जिंदगी से। Ha ha ha!
मुझे माफ कर दो, अब तो नहीं जाएगा सर छोड़ के तुम। चुप हो जाओ मेरे बच्चे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की इस चीज़ को ख़त्म करने की। मेरे कारण शायद संजय भाई का ये दिमागी हालत कमज़ोर पड़ गया। और क्या कुछ हुआ साधना की लाइफ में, एक और बात मैं आपसे बोलूँगा कि अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हो और आपको नहीं समझ में आ रहा कि हो क्या रहा है, तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हैं और पता कर सकते हैं कि क्या कुछ हुआ है इन लोगों की लाइफ में। वीडियो कैसा लगा अभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो का कौन सा पार्ट आपको ज़्यादा अच्छा लगा वो भी बता दीजिएगा। थैंक यू सो मच।